नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीमारियों के ऊपर। आखिरकार हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये है वो रीज़न, और ऑफ कोर्स ये है वो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान के अंतर्गत। हमारे साथ अलीगंज केंद्रीय विद्यालय लखनऊ से जुड़ रहे हैं सुशील जी। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि पीजीटी बायोलॉजी से हैं। नमस्कार सर, बहुत आभार और अपने प्यारे बच्चों के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सर, बहुत ही मार्मिक सा प्रश्न है, बड़ी नॉर्मल सा प्रश्न है और बड़ा एहतियात भरा प्रश्न है कि आखिरकार हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो कारणों की पड़ताल कर लेते हैं क्यों पड़ते हैं। यस, सो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन, और आज का सेशन मेरे आपसे जुड़ा हुआ है। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे धर्मेंद्र जी, देयर आर टू पिक्चर। सो वन पिक्चर रिलेटेड विद द हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ, एंड अनदर पिक्चर शोइंग ए डिजीज, पर्सन इज सफरिंग बाई सम डिजीज। सो मैं आपसे ही चलिए स्टार्ट करूँ। बचपन से लेके अभी तक धर्मेंद्र जी कभी कोई बीमारियों से वास्ता पड़ा क्या? सर ऐसा पूछे कि कौन सी बीमारी से वास्ता नहीं पड़ा, सारी बीमारियां हुई हैं, क्योंकि मानव जीवन है। बचपन से लेकर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो बीमारियों का होना लाजमी है। बट यस, उसके पीछे जो एहतियात बढ़ते गए वो एक कमाल की बात थी कि आप बीमार तो हुए लेकिन जल्दी रिकवर कर गए। जैसे अभी आपने हार्मोनल चेंज की बात की, खैर ये दूसरे प्रकार की बीमारियाँ हुई, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ भी धर्मेंद्र जी आपको हुई होंगी जो आपके दोस्त को, क्लासमेट को, या आपके मोहल्ले में किसी को हुई होगी और उससे आपके घर तक भी वो बीमारी आ गई होगी, या आपके क्लास में आपके बगल में कोई बच्चा बैठा होगा जिसको बीमारी होगी आप तक आ गई होगी, या फिर घर के सदस्यों में आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होंगी जिन्हें हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। तो क्या आप मुझसे इस बात से एग्री हैं धर्मेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल एग्री करते हैं सर, होती हैं अक्सर परिवार में, घर में, समाज में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो एक छोटी सी एक्टिविटी भी हम लोग कर ले बच्चों के साथ। बच्चों, यू हैव हर्ड अबाउट द अर्थक्वेक्स इन लातूर, भोज, कश्मीर, द साइक्लोन दैट लेस द कोस्टल रीजन, एंड महाचक्रवात अभी पिछले साल आया था भारत के कई हिस्सों में। आपने देखा चेन्नई में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी लास्ट ईयर, इसके पहले पटना में हुई थी, और अलग अलग हिस्से प्रभावित होते हैं। सो क्या आप बता सकते हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएँ होती हैं उसके बाद उन क्षेत्रों में क्या कोई बीमारी फैल जाती है? आप बच्चों इस पे विचार करिएगा। और मैं धर्मेंद्र जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इतनी बड़ी बड़ी जो मौसम से संबंधित जो भी दुर्घटनाएं कह सकते हैं, या अभी आप यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे थे, तो उसके बाद मानवता लगभग 4-5 साल तक उसका दंश भोगेगी, बल्कि 4-5 साल क्या, कई सालों तक भोगेगी। तो ये जो परेशानियां मुझे और आपको होती हैं, ये परेशानियां मुझे और आपको कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं। तो आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे धर्मेंद्र जी? बिल्कुल, आप किसी भी, मान लीजिए ये तो युद्ध का मामला है, रेडिएशंस फैला, रासायनिक हथियार हुए और महामारी फैल गई, जो मौतें हुई हैं, जो मलबा जमा है, उनसे भी काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो एक संक्रामक रूप ले लेती हैं, महामारी का आगे जाकर रूप ले लेती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक दशक तक तो खैर आप सांस नहीं लेने वाला मामला यूक्रेन का। यस, जैसे हमने, आपने देखा होगा कहीं पर बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद वहां पर एक बीमारी बहुत कॉमन फैल जाती, कॉलरा, जिसे हम हैजा कहते हैं सामान्य भाषा में, डिसेंट्री, दस्त लगने लगते हैं, डायरिया हो जाता है लोगों में, उल्टी दस्त के साथ बड़ी परेशानियां होती हैं। ये सारी दिक्कतें हम लोगों ने अपने जीवन में महसूस की होंगी। तो ये आपको अगर बात की जाए, कक्षा 9 के लिए ये सेशन है और बच्चों के लिए ये टाइम 2 में ये सिलेबस में उनके रखा गया है ये चैप्टर, अभी जस्ट एग्जाम चल रही है उनकी और ये इस चैप्टर से उनको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे बच्चों अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है? सो अगर हम WHO के मानक के अनुसार बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन अब्सेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज हेल्थ। सो वी कैन से देयर इज ए ट्रायड ऑफ हेल्थ। सो ए पर्सन शुड बी फिजिकली हेल्दी, ही और सी शुड बी मेंटली हेल्दी एज वेल एज ही और सी शुड बी सोशली हेल्दी। सो सच कंडीशन इज account for good health. So the condition which are necessary for good health, so there should be the good physical and social environment,
there should be the good economical condition. So health is also related with the economical condition. जैसे कि जिनके घर में इकोनॉमी अच्छी है, जिनके घर में अच्छी पर्याप्त न्यूट्रिशियस चीजें आती हैं, उनको कैसे हम पोषण वाला भोजन मिलता है, और दूसरी तरफ समाज का वो हिस्सा जिसको कुपोषण के शिकार होते, मेल न्यूट्रिशन, मतलब उनके भोजन में वो नहीं है, अच्छी हेल्दी डाइट ले सकते, बैलेंस डाइट नहीं ले सकते, तो अगर ऐसे लोगों को अगर उनकी डाइट में अगर प्रोटीन नहीं है पर्याप्त मात्रा में जो रिकमेंडेशन है, तो उसके अनुसार उन्हें क्वाशरकोर प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर उनके प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जैसे एनर्जी नहीं है, उनमें मरास्मस वाली कंडीशन हो सकती। सो हम कह सकते कि इकोनॉमिक कंडीशन इज आल्सो रिलेटेड विद द गुड हेल्थ, देयर इज द सोशल इक्विटी एंड हारमोनी। हम और आप, अगर कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास के जो लोग हेल्दी होंगे तो हम भी हेल्दी रह पाएंगे, या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं आसपास की हम साफ सफाई करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, जिसके आधार पर वो अपने आसपास सफाई रखें, जिससे ना केवल वो स्वस्थ रहें बल्कि हम और आप लोग भी स्वस्थ रहने में सफल हो पाएं। तो हम कह सकते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत हद तक हेल्थ को प्रभावित करता है, जिसमें कि अच्छी साफ सफाई की आदतें हो सकती हैं। हम लोग हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे सेलिब्रेट करते, जिस दिन हम अपने बच्चों को बहुत सारी बीमारियों के प्रति सेंसिटाइज करते कि बच्चों अपने हाथ धोइए, हाथ साफ करिए, और आप इस बहाने कई बीमारियों से बच सकते हैं। हाथ की, आपकी मेरी हाथ की सफाई से, धर्मेंद्र जी, जी मतलब हाथ की सफाई का मतलब क्लीनिंग ऑफ द हैंड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम ना केवल अपने आप को कई बीमारियों से बचा सकते बल्कि हम जाने अनजाने कई लोगों को जो बीमारियां ट्रांसमिट कर सकते थे, फैला सकते थे, उसको भी हम बचा सकते। इसलिए 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाती है। बच्चों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, 7 अप्रैल को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हम लोग जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, तो उस दौरान भी हर साल इसकी कोई ना कोई थीम रखी जाती है। इस बार भी 7 अप्रैल को जब हम लोग मिलेंगे आपसे PME विद्या पर, तो उस दिन निश्चित ही हम बात करेंगे, लेकिन हर बार हम और आप लोग ये सेंसिटाइज होते हैं, कई कार्यक्रमों के द्वारा प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अच्छी डाइट करेंगे, लेंगे, अच्छी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, आसपास की साफ सफाई की आदतें अपनाएंगे, और इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है। और स्वच्छ भारत अभियान एक्चुअली हमारे महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले इस बात पे उन्होंने कल्पना की थी, और इसको उन्होंने काफी हद तक फैलाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी अगर धर्मेंद्र जी आपने देखा होगा तो महात्मा गांधी जी का चश्मा रखा गया है। जी जी जी, तो कुल मिला के ये जो साफ सफाई की अच्छी आदतें हैं, ना केवल मुझको बल्कि मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों के द्वारा समाज को अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आगे ले जाने में मदद करेगी। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ, तो हम कह सकते कि ऐसे व्यक्ति जो काम कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना स्वच्छ तन में स्वच्छ मन का वास होता है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो हम अच्छे ढंग से सोच पाएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र जी आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में देयर आर मिलियंस ऑफ दी सेल्स, एंड सेल्स आर मेड अप ऑफ ए वैरायटी ऑफ प्रोटीन, फैट एंड लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। सो सेल इज ए डायनेमिक प्लेस, सो समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम, सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज on inside the cell, new cells are being made in our organ or tissue. So there are various specialized activities going on, like the heart is breathing, मेरा आपको दिल लगातार धड़कता रहता है बिना थके बिना रुके, अगर ये रुक जाए तो मैं और आप खत्म हो जाएंगे। The lungs are breathing, हमारे फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं। The kidney is filtering urine, मेरे आपके शरीर का अगर किडनी है तो ये फिल्ट्रेशन पंप है, ये पूरे ब्लड को लगातार छानती रहती है और वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालती रहती है। एंड ब्रेन इज थिंकिंग, सो हाउ डज इट बिकम पॉसिबल, जब हम और आप हेल्दी होंगे
द पर्सन फील हिमसेल्फ इफिशियंट टू टेक डिसीजन एंड वर्क अकॉर्डिंगली व्हेन ही और शी इज हेल्दी। द पर्सन रिमेन्स इन साउंड मेंटल कंडीशन। द पर्सन रिमेन्स फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। द पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम मेंटल टेंशन। और जब ये सारी अवस्थाएं होंगी तो ही और शी शुड बी हेल्दी और इन ए हेल्दी कंडीशन। और अगर नहीं होंगी तो पर्सन फिर मे गेट डिजीज लाइक वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और लाइफ स्टाइल डिजीजेज और डेफिशिएंसी डिजीजेज। सो मैनी डिजीज और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन विल कॉज द डिजीज। सो देयर आर द 5 F। What is to be done? So these 5 F definitely help prevention of transmission of disease by maintaining sanitation and hygiene. So what are the 5 F? So these 5 F, when a person remain healthy, when he or she protect the water source, he or she treat and store water safely, और वो filter करके पानी को use करेंगे. When he or she wash hand before preparing and taking the food, so wash hands after defecation. मैं आपको धर्मेंद्र जी एक छोटी सी कहानी बताऊं। हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी मेलोन। वो लोगों के घरों में खाना बनाने जाती थी लेकिन उनकी अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं देती थी। और बाद में देखा गया कि सर्टेन लोकेलिटी में, सर्टेन पॉकेट ऑफ पॉपुलेशन में एक बीमारी विशेष रूप से देखी गई और उस बीमारी का नाम रखा गया टाइफाइड। जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तब देखा गया कि उस जगह पर बीमारी को फैलाने में, बढ़ाने में टाइफाइड के जो बीमारी थी वो मैरी मेलोन जिम्मेवार थी। और पूरा इतिहास उनको टाइफाइड मैरी के नाम से जानता है। क्लास 12 में हमारे बच्चे टाइफाइड मैरी के नाम से उनको पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। So, ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने नाखून को साफ ना रखे, अपने हाथों को साफ ना रखे तो वह कई सारी बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकता। जैसे कि मैंने बताया एक कुक जो लोगों के घरों में खाना बनाती थी और सी वाज द एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, सी डिड नॉट हैव एनी सिम्टम ऑफ द टाइफाइड बट सी इज कैरियिंग द पैथोजन, मींस रोग फैलाने वाले वहां उसके शरीर के अंदर। तो हम और आप लोग जब अपने भोजन को ढक के रखेंगे, मक्खियों से दूर रखेंगे क्योंकि मक्खियां बहुत बीमारियों के फैलाने का कारक होती हैं। जब हम लोग साफ सब्जियों को खाएंगे, फलों को खाएंगे, कैसे खाएंगे, जब हम उसको धोएंगे अच्छे से। और भारत सरकार ने देखिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत के लगभग दूर दराज के हर गाँव तक टॉयलेट बनवाए हैं और उसका ही कंसेप्ट ये है कि वी शुड अवॉइड द ओपन डिफिकेशन क्योंकि उससे कई सारी बीमारियां हमें और आपको फैल सकती हैं। सो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी इन अवर लोकलिटी एंड देयर शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। धर्मेंद्र जी, मेरे और आपके घर में जब पानी आता है, आपके घर, आप दिल्ली से ताल्लुक रखते, यमुना नदी से मान लीजिए आपके घर तक पानी आता होगा तो उस पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको क्लोरीन के द्वारा उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है और ये पानी फिर मेरे आपके घर में पहुंचता है और उस पानी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो हेल्थ और हाइजीन और सैनिटेशन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों से मिले हुए हैं। और अगर हम जैसे एक हम आपको उदाहरण से बताएं, अगर पूरे शहर की सीवेज को हम बिना ट्रीट किए हुए, सपोज मैं लखनऊ से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे शहर में गोमती नदी है और आपके शहर में यमुना नदी है, तो अगर मेरे शहर का पूरा जो भी कूड़ा करकट है जिसे हम सीवेज कहते हैं उसको बिना ट्रीट किए हुए अगर हम नदी में डाल दें और नदी से हम लोग तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं पानी की और अलग अलग चीज़ों से, तो कहीं जो भी गंदगी है वो हमारे पानी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं जिसकी वजह से फीकल मेटल सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। सो दीज आर द 5 F्स। एंड धर्मेंद्र जी, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। वी आर हेल्दी। सो हाउ वी आर हेल्दी धर्मेंद्र जी? बिकॉज वी आर इन द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और अगर हम लोग डिजीज होते, मतलब डिजीज मतलब डिस ईज, मतलब कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ कष्ट होता, कुछ ना कुछ हमारी कष्टकारी अवस्था होती, सो इट इज ए स्टेट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम द डिजीज।
हेल्दी पर्सन की कंडीशन में, अगर इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड डिजीज, इट रिफर ओनली टू द इंडिविजुअल। हेल्दी कंडीशन में द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, बट इन द डिजीज फ्री जब हम कहेंगे द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। सो देयर शुड बी द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। देख रहे होंगे हेल्दी और डिजीज फ्री देयर इज स्लाइट डिफरेंस, बट व्हेन ए पर्सन गॉट डिजीज एंड आफ्टर दैट व्हेन ही और शी टुक ट्रीटमेंट देन ही और शी बिकम डिजीज फ्री। सो व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? मुझे और आपको जब डिजीज हुई होगी, कोई भी डिजीज हुई होगी, हम लोगों ने अभी कोरोना काल में जी रहे हैं तो हमने तमाम ऐसी घटनाएं अपने आसपास देखी हैं। सो व्हेन ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय ए डिजीज, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम ऑफ द बॉडी चेंज और द वर्स, सो दीज चेंज गिव राइज टू द साइन ऑफ द डिजीज कॉल्ड सिम्टम। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम और वी कैन से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वी आर गिवन बाय द डॉक्टर। So on the basis of the symptom, the physician look for the sign of particular disease and conduct test to confirm the disease. So हम और आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है, स्टेटोस्कोप से मेरे और आपकी हाइट की कंडीशन देखता है, मेरे आपकी आंखों को उठा के देखेगा कहीं एनीमिया तो नहीं है, जीभ को निकाल के देखेगा कि भाई जीभ दिखाइए आप हमको ऐसे, फिर आपके स्टोमक पर आपको देखेगा, फिर आपकी चीजें पूछेगा कि आपने कहाँ किस लोकलिटी थी, इस आधार पर आपको कहीं शरीर में दर्द तो नहीं हो रहा, आपके टेम्परेचर को काउंट करेगा, देखेगा कि भाई टेम्परेचर बॉडी का क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर डेट ए 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फारेनहाइट से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो कोई स्थिति हो सकती है, आपके वेट को लेगा, तो ये सब चीज़ें की जाती हैं, उसके आधार पर फिर डॉक्टर हमें और आपको इलाज करता है। तो बच्चों आपने देखा होगा देयर आर सो मैनी ऑफ द डिजीज, कुछ डिजीज आपने देखी होगी बच्चों हमें और आपको होती हैं लेकिन कुछ दिनों तक ही रुकती हैं और इसके बाद हम और आप लोग सही हो जाती हैं। तो इस प्रकार की डिजीज जो बच्चों कहलाती है एक्यूट डिजीज, तो एक्यूट डिजीज आर ए डिजीज विच लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। जैसे मुझे और आपको कोल्ड हो जाता है तो लगभग 7 दिन तक होता है, इसके बाद कोल्ड वायरस जिसे हम एडिनो वायरस कहते हैं फिर हम लोग सही हो जाते हैं, गले में इन्फेक्शन कफ हो जाता है तो वो भी 7-8 दिन 10 दिन में सही हो जाता है। टाइफाइड जिसे आपने मोतीझला गांव में नाम सुना होगा, इसको मोतीझला के नाम से जाना जाता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। सो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। कॉलरा विब्रियो कॉलराई एक बैक्टीरिया होता है। सो टाइफाइड एंड कॉलरा आर द बैक्टीरियल डिजीज, बट दी डिजीज लास्ट फॉर सम डेज टू 1 or 2 months, बट दी डिजीज डिड नॉट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मीन्स फॉर मैनी मंथ और फॉर मैनी ईयर नहीं रुकती। सो ऐसी डिजीज जो कम समय तक रहे उन्हें एक्यूट डिजीज, और दूसरी तरफ वो डिजीज विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ, लाइक डायबिटीज इज ए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। हमारे भारत को डायबिटीज के कैपिटल भी लोग कहने लगे बिकॉज देयर आर सो मैनी पेशेंट आर फाउंड इन इंडिया। सो दोज पीपल हु हैव द फॉल्टी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सो दे मे बी सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। इट इज ए हॉर्मोन रिलेटेड डिजीज एंड इंसुलिन हॉर्मोन इज बिहाइंड द डायबिटीज। सो अनदर वन इज द ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई इज ए बैक्टीरिया विच कॉजेज द डिजीज। इसको आपने देखा होगा तपेदिक कहते गाँव में, यक्षमा कहते हैं। ऐसे एलिफेंटियासिस जैसे हाथी पांव कहा जाता है, ये बीमारी महीनों सालों तक चलती है। आर्थराइटिस में जोड़ों पर दर्द होता है, और कैंसर में भी यही कंडीशन हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑर्गन में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगते हैं और हमारे बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, तो ये क्रोनिक डिजीज कहलाती, बहुत दिनों तक चलती हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज ऐसी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर वाटर फूड और वेक्टर के द्वारा या फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैल जाती है। सो दीज टाइप ऑफ डिजीज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। हम कह सकते हैं इनको कि दीज आर द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, थ्रू वाटर, फूड, वेक्टर, फिजिकल कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। लाइक कॉमन कोल्ड
हाईली कंटेजियस और हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के पेन से अगर ऐसे व्यक्ति का यूज कर लें आप तो दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। हम लोगों ने अभी कोरोना महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि कोविड 19 जो वायरस है, इट इज आल्सो वेरी इन्फेक्शियस वायरस। इसकी वजह से तमाम परेशानियां और बहुत तेजी के साथ आपने देखा पूरी दुनिया को ग्रिप में ले लिया। दिसंबर 2019 में रिपोर्ट हुआ और इसके बाद हम लोगों ने मार्च लास्ट में लॉकडाउन लगाना पड़ा और दुनिया की तबाही का सामना करना पड़ा। हम लोग अभी भी उस लड़ाई से लड़ रहे। चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, ये कितनी परेशानी मुझे और आपको करती। मम्स जिसे हम गर्ल्स हुआ कहते हैं, मीजल्स, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। मैं आपको समय का थोड़ा सा भान करा दूं, माफी चाहता हूं बीच में रुका मैंने आपको, अंतिम तीन मिनट का समय हमारे पास बाकी है। यस यस सर, सो देयर आर अनदर ग्रुप ऑफ डिजीज दैट इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो दीज आर आल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो देयर आर सम डिजीज व्हिच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। याद करिए जब धर्मेंद्र जी हम आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि हार्मोनल बदलाव से मेरे आपके शरीर में भी बीमारियां हो जाती हैं। सो दीज आर नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सपोज किसी के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम से डायबिटीज है मेरे, तो अगर मेरे को डायबिटीज होगी तो धर्मेंद्र जी हम और आप लोग बैठ के नाश्ता करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, आपको नहीं होगी। सो दिस इज इस प्रकार की अगर कंडीशन आप देखते हैं ऐसी बीमारियों में, तो ये नॉन इन्फेक्शन। वेरी वेरी रिकेट्स, स्कर्वी आपने देखा होगा, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो गम से ब्लड निकलने लगता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो जाता है, गांव में विशेषकर देखते हैं कि रात के शाम होते ही रात को दिखने में दिक्कत होती है, रतौंधी कहते हैं गांव में। जी जी, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। सो दीज डिजीज आर हमें और आपको परेशान करती। मैं जल्दी से एक मिनट में आपको बताऊं बच्चों, डिजीज कॉज करने के देयर आर सो मेनी एजेंट। तो उन एजेंट को हम कहते हैं पैथोजन। पैथ मतलब डिजीज और जन मतलब प्रोड्यूस करना। सो पैथोजन हो सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन और वर्म। हमें और आपको बीमारी हो सकती है पुअर हेल्थ की वजह से, अंडर नरिशमेंट और मेल न्यूट्रिशन की वजह से। हमारे आपके शरीर के कोई अंग काम करना बंद कर दे तो हमें और आपको बीमारी हो सकती है। एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हर साल हम लोग अक्टूबर नवंबर में देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत सारी परेशानियां, रेस्पिरेटरी डिजीज हम और आप लोग देखते हैं बच्चों में, बड़ों में और बूढ़ों में। देयर आर जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर किसी के डिफेक्टिव जीन है तो उनमें बीमारी हम लोग देख सकते हैं। तो ये जितने भी पैथोजन है, दे में भी वायरस, दे में भी बैक्टीरिया, दे में भी फंजाई, दे में भी प्रोटोजोआ, दे में भी पैरासाइट जो हमारे आपके राउंड वर्म और इस प्रकार के रहते हैं, प्रोटीनियस एजेंट जिन्हें हम प्रायोन्स कहते हैं। मैं जल्दी से आपको कुछ फोटोग्राफ दिखा दूं और इसके बाद आपसे मैं विदा लूं। सो बच्चों आपने देखा होगा ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की फोटोग्राफ है जो हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक से ली है और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कोरोना वायरस की जो इसी परिवार से ताल्लुक रखता है। नीचे जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे होंगे दिस इज द एडिनो वायरस, इसकी वजह से मुझे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है। ये स्टेफाइलोकोकाई वायरस है जिससे एक्ने हो जाते हैं, आपने देखे होंगे कील मुहासे हो जाते हैं छोटे बच्चों में और बड़े जैसे जैसे वो युवावस्था की तरफ जाते हैं कील मुहासे की समस्या होने लगती है। तो ये भी देखा, बैक्टीरिया बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, ये रॉड के आकार के भी हो सकते हैं, ये राउंड शेप भी हो सकते हैं और ये हेलिकल के आकार के भी हो सकते हैं और ये कोमा के आकार के भी हो सकते हैं। और ये कुछ पिक्चर देखिए, प्रोटोजोआ भी बीमारी करता है मुझे और आपको। अगर मलेरिया अगर कभी हुआ हो उसके पीछे प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआन होता है और ये कुछ और प्रोटोजोआ है, एक लिचमेनिया है, ये कालाजार करता है और इसकी वजह से विशेषकर कुछ हमारे देश के हिस्से हैं जहां पर लोग बहुत प्रभावित होते हैं कालाजार बीमारी से। ये ट्रिप्नोसोमा है, ये प्रोटोजोआन है, बस जस्ट वन मिनट, ये ट्रिप्नोसोमा सर एक मिनट हमारे पास नहीं है, आधे मिनट से भी कम समय हमारे पास है। सिकनेस कॉज करता है और ये लास्ट वन, ये एडल्ट राउंड वॉर्म जिसे हम एस्केरिस लुम्बरिकॉइडस कहते हैं और इसकी वजह से मेरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन अगर हो गया तो फिर हमारे आपके शरीर में कई सारी परेशानियां हमें और आपको देखने को मिलती हैं। तो बच्चों आज आपने जानने में ये आपने जानी होगी कि डिजीज क्या है और किस प्रकार से हम और आप अपनी अच्छी हेल्थ लेके और अपने आप को अच्छी आदतों के द्वारा, हैंड वॉशिंग के द्वारा और अपने आसपास साफ सफाई के द्वारा हम बीमारियों से बच सकते हैं और वो सारे कारक जो मुझे और आपको बीमारी फैलाते हैं उनके बारे में भी आपने आज जाना।
बिल्कुल, तो ये सेशन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण था, आप जिन्होंने मिस किया वो एनसीईआरटी ऑफिशियल पर जाकर इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, इतनी महत्वपूर्ण बातें बीमारी के संबंध में हम सबको बताने के लिए, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, और हम लोग अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसकी कंटिन्यूएशन में, और ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और अपनी पार्ट जो टाइम टू की परीक्षा है पूरे जोशो के साथ दें और उसमें सफल हों। बिल्कुल सर, यहाँ पर हमें रुकना होगा, लेकिन अगला जो सेशन है वो है इंग्लिश का फॉर क्लास 9 स्टूडेंट। अगर आप राइटिंग स्किल में बहुत अच्छे हैं, कुछ और भी सीखना चाहते हैं, तो ये सेशन आप जरूर देखें। राइटिंग स्किल्स और स्टोरी राइटिंग, ये एक मेन फोकस रहने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल के साथ।